पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा एक आम सभा का आयोजन बुधवार को असुरन स्थित रेलवे यांत्रिक कारखाने के मुख्य द्वार के समक्ष किया गया। सभा को संबोधित करते हुए संघ के मंडल मंत्री आरपी सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 15 मई को कारखाने के मध्य गेट पर आम सभा के लिए संघ का झंडा बैनर लगा था, जिसे षड्यंत्र के तहत मुख्य कारखाना प्रबंधक के आदेश पर SPO एवं यूनियन के एक पदाधिकारी द्वारा उतरवाया गया। उन्होंने कहा कि यह कार्य निंदनीय है, जिसे संघ के सदस्य कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस दौरान संघ के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष माधव प्रसाद शर्मा, महामंत्री विनोद कुमार राय, मंडल मंत्री आरती भट्ट सहित कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। बनने के लिए उनसे पैसे वसूले जाते हैं कि कहीं हमारी नौकरी, काफी पैसा खर्च होता है वहाँ, काफी रेलवे का इन्वेस्टमेंट वहाँ होता है, और उस जगह पर आपने उस अधिकारी को दोष कर दिया जो यहाँ अप्रेंटिस के लड़कों से 5,000 रुपया लेते हुए पकड़ा गया था। तो ये हमारा आरोप है, ये हमारा आरोप है CME के ऊपर कि आप बेईमान हैं। आपने कैसे एक बेईमान अधिकारी को पोस्ट कर दिया? बेईमान अधिकारियों को महत्वपूर्ण जगहों पर पोस्ट करने वाला अधिकारी ईमानदार नहीं हो सकता है साथियों। यदि ईमानदार होता तो कोई ईमानदार स्तर पोस्ट होता वहां। हमारे NFIR के एफिलिएट हैं, हम 4-4 पदाधिकारी हैं NFIR की वर्किंग कमेटी में। हम चेयरमैन से बात करते हैं, हम CRSC से बात करते हैं, हम रोलिंग स्टॉक के मेंबर से बात करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं। हमारे झंडे रेलवे बोर्ड पर लगते हैं, आपने हमारे झंडे को कैसे उतरवा दिया? हमने कहा कि CME साहब, आप एक लोकतांत्रिक सरकार के अफसर हैं, आप लोकतांत्रिक तरीके से बिहेव करिए, आप बर्ताव करिए, आप डिक्टेटर नहीं हो सकते, तानाशाही नहीं चल सकती है, हम चलने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक आस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। और हमने मजबूर किया CWM को, पहली बार है कि किसी CWM ने किसी यूनियन का झंडा खुद जाकर लगाया हो, ये हमारी ताकत है साथी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लगे, उसे किसी भी अधिकारी को करवाने का हक नहीं है, उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लोग उसकी बात सुने, भरोसा करे ना करे, लेकिन प्रशासन को यह हक नहीं है कि वो उसके झंडे को उतरवाए, क्योंकि वो रेल कर्मचारियों की समस्याओं और उनके हितों की बात करने के लिए अपने झंडे लगाते हैं। और हमारा झंडा तो 3 रंग का है, इसमें केसरिया भी है, इसमें हरा भी है, इसमें सफेद भी है, तो हम तो सभी रंगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं साथियों। हमारे पास बड़ी जमात है सभी रंगों को, ये तिरंगा सबका है साथियों, इसको कैसे कोई CWM उतारेगा साथियों? इसलिए हम ये चुनौती देते हैं और आगाह करते हैं रेलवे प्रशासन के उन अधिकारियों को कि भविष्य में इस तरह की हरकत करने वाले के हाथ तोड़ देगी PRPS। इसलिए हम आप सब लोगों को जागरूक करने आए हैं, हम कारखाना कर्मचारियों को आज सिर्फ जागरूक करने के लिए और ये बताने के लिए कि कौन कौन से लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और कैसे आपके पीठ में छुरा भोंक कर आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यूनियन का काम लोगों की भलाई का काम करने का होता है, लोगों की समस्याओं के लिए लड़ने का होता है, लोगों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष उजागर करने का होता है, और ये काम नहीं करके मान्यता प्राप्त संगठन ने इंटेलिजेंस यूनिट को ये नाम दिए साथियों, ये नाम साथियों इंटेलिजेंस यूनिट को मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा दिए गए हैं साथियों।